Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 5 maths chapter 13, ways to multiply and divide. It is first revision worksheet for final exam, and this worksheet contains all types of questions. So let's start solving this worksheet, and you can test your knowledge through this worksheet. So students, this question paper comprises two sections, A and B, and you have to attempt all the sections. And all questions are compulsory, that means there is no internal option in this question paper. So section A mein aapko kya karna hai, is pe aapke objective type question honge, jisme first question hoga choose the correct option, second fill ups, and third true false. सो फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पर आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और फिर यहाँ पर ऑप्शन, तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उस पर टिक कर दीजिए. तो इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना होगा. बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगी. सो इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. अब एक कॉलोनी में 125 पीपल रहते हैं और वे 8 ग्लासेस वाटर एक दिन में ड्रिंक करते हैं, तो आपको बताना है हाउ मच ग्लासेस ऑफ वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर. तो वे एक साल में कितना ग्लासेस वाटर ड्रिंक करेंगे. तो देखिए आप इसको सॉल्व करना है, तो कॉलोनी में कितने पीपल हैं, 125, और वे कितना ग्लास वाटर ड्रिंक करते हैं, 8. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वन डे में टोटल कितने ग्लासेस वाटर वे लोग ड्रिंक करते हैं, इसके लिए आपको 125 में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो एक दिन में कितने ग्लासेस वाटर ड्रिंक करते हैं वो आ जाएगा. फिर वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 365 का फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सोहाज हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट. अगर सोहा का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है तो आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर. 1 आवर में कितना बीट करेगा, तो 1 मिनट में कर रहा है 72 टाइम्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 72 और 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. एक बेबी लीटर 1 डे में 12 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है, तो आपको बताना है 1 ईयर में कितना करेगा, तो 12 में 365 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ अ फील्ड लेंथ इक्वल टू 27 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 28 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड. तो आप इस फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, फिर लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ये फील्ड रेक्टेंगुलर साइज में है इसलिए. नेक्स्ट, इफ कमला बाई स्पेंड 85 रुपीज ऑन अ काउ इन अ डे. अब कमला बाई रुपीज 85 एक दिन में काउ पर स्पेंड करती है, तो आपको ये बताना है कि 1 मंथ में कितना स्पेंड करेगी. तो 1 मंथ में हम कितने डेज कंसीडर करते हैं, 30, तो 30 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट फिलअप्स है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सो देयर आर डैश डेज इन 3 वीक्स. तो 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज, तो 3 वीक्स में क्या होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और 3 का. सतीश अर्न 1 रुपीज फॉर गोट एवरी डे. सतीश एक गोट के लिए रुपीज 1 अर्न करता है एक दिन में, तो अब वो 17 गोट्स को देखता है विलेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 17 रुपीज. अब आपको बताना है 1 मंथ में कितना करता, तो 17 और 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, फिल द टेबल. अब आपको ये टेबल फिलअप करना है. आप देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए करिए, जैसे 1 फिर 1 1 फिर 1 1 1, तो इस तरह से आप इसको फॉलो करते हुए टेबल फिलअप करिए. नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स.
ठीक है, टी के लिए ट्रू लिखना, के लिए ट्री लिखना है, और फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है. जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए टी लिखिए, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे के लिए एफ लिखिए. तब यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िए. रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन अ सिटी. ही सेल्स 13 लीटर्स मिल्क एवरी डे एट रुपीज 23 पर लीटर. सो ही विल अर्न रुपीज 300 एवरी डे. अब रतिराम मिल्क सेलर है एक शहर में, और वह एक लीटर मिल्क के लिए 13 रुपीज अर्न करता है. ठीक है, तो एक दिन में वह 23 लीटर मिल्क सेल करता है, तो एक दिन में वह कितनी अर्निंग करेगा. इसके लिए 13 और 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर रुपीज 300 आता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं आता है तो फॉल्स है. नेक्स्ट, सुखी वर्क्स ऑन अ फॉर्म. ही इज पेड रुपीज 98 फॉर वन डे. इफ़ ही वर्क्स फॉर 52 डेज ही विल अर्न रुपीज 5096. अब सुखी एक फॉर्म में काम करता है और उसे एक दिन के लिए 98 रुपीज मिलते हैं. अब वह 52 डेज काम करता है, तो आपको क्या करना है, 52 डेज के लिए सैलरी निकालने का. 52 इंटू 98 करिए. अगर 5096 रुपीज आता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं आता तो फॉल्स. अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है. 225 इंटू 22 इक्वल टू 4950. तो आप 225 में 22 का मल्टीप्लाई करिए. अगर 4950 आता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, और नहीं आता तो फॉल्स. नेक्स्ट आप इसको भी चेक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5. 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 82. सो 5 लीटर पेट्रोल विल कॉस्ट रुपीज 400. अगर 1 लीटर पेट्रोल 82 रुपीस कॉस्ट करता है तो 5 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 400 रुपीस है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, 82 में 5 का मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करना है. नेक्स्ट, अ ट्रे कैन होल्ड 12 एग्स. सो 12 ट्रेज आर नीडेड पैक 144 एग्स. तो 1 ट्रे में 12 एग्स आते हैं, तो 12 ट्रे में कितने एग्स आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करिए. द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 124. मनु बायस 21 सच बुक्स. सो सी पेड रुपीज 2600. अब वन बुक की कॉस्ट 124 रुपीज है, और मनु 21 इस तरह की बुक खरीदती है, तो इसके लिए उसे 2600 रुपीज पे करना होगा. तो स्टूडेंट करना क्या है आपको, आपको 124 में 21 का मल्टीप्लाई करके आंसर अपना चेक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कास्ट ऑफ 10 पेंस आर रुपीज 200. अब 10 पेंस की कॉस्ट 200 है, तो 1 पेन की कॉस्ट 20. इसके लिए आपको 200 में 10 का डिवाइड करना है. 20 आता है तो करेक्ट है, नहीं आता तो फॉल्स है. नेक्स्ट आप देखिए, 414 में 9 का डिवाइड करने से 46 आया हुआ है, तो आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके. अब सेक्शन बी है, इसमें आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर इन वन वर्ड. दैट मीन्स आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है. देखिए, कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैकेट वाटर फॉर रुपीज 12. अब कंपनी 1 लीटर पैकेट वाटर को 12 रुपीज में बेचती है. अब शॉपकीपर 240 लीटर पैकेट वाटर खरीदता है, तो कितना पे करता है. तो आप रफ में सॉल्व करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखिए. नेक्स्ट, अ फार्मर सेल 1 लीटर ऑफ मिल्क रुपीज 11. 1 लीटर मिल्क 11 रुपीज में फार्मर बेचता है. अब 1 मंथ में उसने 210 लीटर मिल्क सेल किया, तो उसको कितनी अर्निंग हुई. इसके लिए आप 11 और 210 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर आंसर लीजिए. नेक्स्ट आप देखिए, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस. हरिया ने लोन लिया अपना घर बनाने के लिए. ही हैज़ टू पे बैक रुपीज 2750 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स. हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर्स. तो वह कितना वापस करेगा 2 ईयर्स में. तो आप देखिए कि 2750 एवरी मंथ क्या करता है, वो लौटाता है. तो 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं ये निकालिए. तो 1 ईयर में 365, तो 2 ईयर में 365 इंटू 2, और जो भी आता है उसका इस पर मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउ गिव्स 8 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. अब एक काउ है जो हर दिन 8 लीटर मिल्क देती है. हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ.
तो ये 1 month में कितना मिल्क देगी? इसके लिए 1 month में होते 30 days, आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलासी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुण्यास फॉर्म. तुलासी और उसके हस्बैंड करुण्या के फॉर्म में काम करते हैं. द गवर्नमेंट हैज सेट द फॉर्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 day's वर्क. अब गवर्नमेंट ने कहा कि फार्म वर्कर को कम एक दिन के लिए कम से कम ₹71 पे करना है. बट ही पेज ₹55 टू तुलासी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड. तो पर वह तुलासी को ₹55 और उसके हस्बैंड को ₹58 पे करता है. तो तुलासी ने 49 days वर्क किया तो उसे कितनी मनी मिली? तो 49 days वर्क करना, तुलासी को सैलरी क्या मिलता है 1 day के लिए? 55 rupees. तो 49 में 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग. अब इसे सॉल्व करना है और इसे अच्छी तरह से सॉल्व करना है. आपको पूरा प्रोसेस लिखना है. इसमें आंसर इन वन वर्ड नहीं है. तो 47 into 19 जैसा कि आपको बताया गया है उस तरह से आप यहाँ सॉल्व करके लिखिए. नेक्स्ट आप देखिए इस टेबल को देखिए और फिर नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ स्टेट गिवन है और यहाँ 1 day की सैलरी है. तो हरियाणा में 1 day की सैलरी है 135, राजस्थान में 73 rupees, मध्य प्रदेश में 97, ओडिशा में 75. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? नीलम इज़ अ वर्कर इन हरियाणा. इफ़ सी वर्क्स फॉर 2.5 months द इन द फॉर्म, हाउ मच विल सी अर्न? तो वह कितना अर्न करेगी? तो देखिए 1 day की सैलरी है हरियाणा में 135 rupees, और 2.5 months में कितने डेज होते हैं पहले वो आपको निकालना है. जब आप डेज निकाल लेंगे तो 135 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर लीजिए. अगर आपको वर्कशीट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगी.